अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एंड दिस इज़ अ मूसा। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज मैं आपकी खिदमत के अंदर एक बहुत ही मज़े की आइटम लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका नेम है रशियन सैलड। उसकी रेसिपी शेयर करूँगा। बॉयल किए हुए मटर इसके लिए चाहिए, एप्पल्स चाहिए, मायोनीज चाहिए, साथ में मिल्क पैक क्रीम और फ्रूट कॉकटेल, मिक्स फ्रूट, ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले जो है एप्पल को पील आउट करेंगे, इसका अच्छे तरीके से छिलका उतारेंगे। अक्सर जो है वो छिलका उतारे बगैर भी रशियन सैलड के लिए हम लोग एप्पल्स कटिंग करते हैं, लेकिन वो अक्सर जो है वो चबाए नहीं जाते एप्पल के छिलके और वो कुछ मज़ेदार नहीं बनता, इसलिए इसका छिलका उतारना जो है बहुत ज़्यादा लाजमी, आप समझें। इसको क्यूब कटिंग के अंदर जो है वो हम अभी कटिंग करेंगे। रशियन सैलड को खूबसूरत और पुरकशिश बनाने के लिए एप्पल्स को क्यूब कटिंग के अंदर कटिंग करेंगे इस तरह से। फॉर लुकिंग मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। एप्पल्स को क्यूब कटिंग करने के बाद इसको एक बाउल के अंदर डालेंगे। अब जो है इसके अंदर बॉईल किए हुए मटर ऐड करेंगे, मायोनीज ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर मायोनीज थोड़ी कम ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज उसका टेस्ट जो है वो बच्चों को पसंद नहीं है। तो आप 2 टेबलस्पून जो है वो मिल्क पैक क्रीम और 2 टेबलस्पून ही जो है मायोनीज ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जो है वो आप आइसिंग शुगर को अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे, क्रश करेंगे। उसका पाउडर जब बन जाएगा वो 2 टेबलस्पून जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, रशियन सैलड के अंदर मैंने एक चीज़ ऐड नहीं की, बंद गोभी, ठीक है। और तो क्योंकि बच्चे वगैरह निकाल देते हैं तो इसलिए मैंने वो ऐड नहीं की। अगर आप पसंद करते हैं तो वो भी इसके अंदर लाजमी ऐड करें। ये फ्रूट कॉकटेल मैंने ऐड किया है। उसके बाद जो है वो किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश जो है वो बहुत ही मज़े की ड्राई फ्रूट है और रशियन सैलड का टेस्ट बढ़ा देती है। तो हमारा रशियन सैलड इस तरह से तैयार हुआ। देखने वाले सामीन से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली फर्दर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आई होप यू आर इन्जॉय माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।